राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर संगीता बलवंत ने जाहिर की खुशी। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का संगीता बलवंत ने जताया आभार। पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का किया दावा। संगीता बलवंत को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित होने से समर्थकों में उत्साह है। गाजीपुर सदर सीट से विधायक रह चुकी हैं संगीता बलवंत। यूपी की सहकारिता राज्य मंत्री रही हैं संगीता बलवंत। खुद को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के प्रति आभार व्यक्त किया। संगीता बलवंत ने पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का दावा किया है। संगीता बलवंत गाजीपुर सदर सीट से विधायक रह चुकी हैं, जबकि संगीता बलवंत यूपी की सहकारिता राज्य मंत्री भी रही हैं। गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की रिपोर्ट। संगीता जी, आपको बीजेपी ने राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है जी, कैसे क्या महसूस कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आधी आबादी को सुदृढ़ करने की बात करती है, और आज जब राज्यसभा सदस्य के लिए मुझे चयनित किया गया है, ऐसे में उसने एक महिला को नामित करके और गाजीपुर जनपद से नामित करके, जहाँ हम लोग कोई विधायक नहीं था हमारे दल का, कोई सांसद नहीं था, ऐसे में गाजीपुर जनपद को चुना। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ को और गाजीपुर जनपद के विकास पुरुष हमारे अभिभावक माननीय मनोज सिन्हा जी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप सदर की विधायक भी रहे, यूपी सरकार में मंत्री भी रहे, एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है पार्टी में, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उसका सिपाही केवल देश के लिए और पार्टी के लिए काम करता है, और पार्टी ने जो हम पे भरोसा दिखाया है, मैं उस पे 100% खरी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी।